हेलो एवरीवन, घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और सभी मेरे प्यारे बच्चे स्क्रीन पर अब मुझे दिखाई दे रहे हैं, चैट में दिखाई दे रहे हैं। आई होप अब सब सामने आ चुके हैं। 7:30 बज चुके हैं। इसके साथ ही जैसे ही आपकी क्लास शुरू होती है, एनटीएससी की मैथ की क्लास, उसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे अब भागेंगे। कहाँ भागेंगे भाई, आईपीएल शुरू हो जाएगा। आईपीएल का आज मैच किसका है भाई? हैदराबाद वर्सेस आपकी फेवरेट टीम विराट कोहली की टीम आरसीबी। ठीक है, तो यार भागिए मत, क्लास देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। पिछले 11 दिनों से आप लगातार क्लास कर रहे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास करते हो। क्लास में जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको कमेंट करते हो। जो भी आपको डीपीपी दी जाती है, आज आपको डीपीपी मिल जाएगी कल और परसों वाले क्लास की, जो हमारा था क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी जैसे ही ये एंड होगा क्लास, या फिर उसके पहले आपको मिल चुकी होगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आपको आज डीपीपी मिल गई होगी, तो उस डीपीपी को आप लगाइएगा। क्लासिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां से मैंने आपको दे दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसा मैंने आपको समझाया था उस तरह से आप सोचिए। ठीक है बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करें। सभी बच्चे आ गए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे नए आए होंगे, उनके लिए भी अभी मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा भाई कौन सा बैच चल रहा है, एनटीएससी आरंभ बैच, क्योंकि ये हमारा पहला बैच है भाई। और पहले बैच में आप भाग्यशाली हैं कि आप पहले बैच में एनरोल हुए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आपके लिए, प्रिपरेशन के लिए एनटीएससी के लिए, जो कि एकदम फाउंडेशन से है। जो बच्चा एकदम शुरू से डे वन से क्लास कर रहा है, उससे आप रिव्यू ले सकते हैं कि भाई कैसा ये क्लास है, क्या मुझे यहां करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपको बताएगा कि यहाँ पे मैथ और साइंस की क्लासेस किस लेवल की चल रही हैं। एनटीएससी आरंभ बैच जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, आज ये 12-13 अप्रैल, जो भी आज तारीख है, 14 अप्रैल, जितनी भी तारीख है, तब तक हम लोग 12वां क्लास करने जा रहे हैं। डे 12 है हमारा आज। हमारा टारगेट है कि भाई 100 में से 100 लाना है, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा पोर्शन है बच्चा, जहां पे हम 95+ स्कोर कर सकते हैं, और अपने एनटीएससी के जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है रीजनिंग का पोर्शन। क्लियर? तो डे 12 में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वेन डायग्राम। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसका नाम ही ना पता हो, या ऐसी कोई बात हो कि उनको एक आइडिया ही ना हो कि वेन डायग्राम क्या होता है भैया, तो उनको एकदम चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ये ऐसी क्लास होती है जहां पर आपके मन में जितने भी सवाल पैदा होते हैं, सभी सवालों का जवाब दिया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी एक वीडियो आई थी कि क्यों कोटा के बच्चे ही एनटीएससी एग्जाम क्रैक करते हैं, क्या कारण है कि वहां पे आपको सही माहौल बनता है, क्या सारी चीजें, वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और आपको समझ में आया होगा कि वाकई में सच्चाई क्या है। तो सच्चाई यही है, अब तक तो रियलाइज हो चुका होगा। जिन बच्चों को नहीं रियलाइज हुआ है वो वीडियो देखें और अपने आप को और बूस्टअप करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए, तो डेली आपकी क्लास होती है कितने बजे, आप रिमाइंडर कहीं टेलीग्राम वगैरह पे मत सेट करिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपकी 7:30 बजे डेली क्लास चलती है। आपकी किस चीज की चलती है, वेन डायग्राम, अरे सॉरी, मैथ की, रीजनिंग। ठीक है, 8:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है। ड्यू टू समथिंग बिग प्रॉब्लम विथ कुणाल सर की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो उनको अभी इलाज करवाया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, तो उनकी तबीयत खराब है, तो उनकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमारी टीम की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। बट डोंट वरी, आपकी क्लासेस जाएंगी नहीं कहीं, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और एकदम अच्छे तरीके से, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। क्लियर? चलिए, अब नए बच्चों के लिए, जो नए बच्चे इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि आपको रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल जरूर 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 ज्वाइन करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ आपको डीपीपी मिलेगा डेली प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी साइंस की, आपकी एसएसटी की, आपकी मैथ की और मैथ की। ठीक है, यहीं पे मिलेगी। साथ ही साथ आप रैंकर डाउट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपस में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपस में डाउट डिस्कशन करते रहते हैं, जिससे उनका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होता है। तो ये दो चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए, जो बच्चे डे वन, जो बच्चे आज पहली बार स्ट्रीम को देख रहे हैं टेलीग्राम से, पहली बार उनको पता चला है कि ये एक चैनल है, ये उनके लिए प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, जो कि एनटीएससी एग्जाम को प्रिपरेशन करवा रहा है,
तो वो बच्चे क्या करेंगे, आपको जो भी खाली समय मिलता है, आपकी क्लासेस नहीं चल रही होंगी कोरोना की वजह से, आपकी क्लासेस छुट्टी चल रही हैं, अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने आप को इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगाइए। आप अपने खाली समय को क्या करिए भाई, डे वन से स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पे बिल्कुल एकदम फॉर्मेट में पहले दिन से स्टार्ट करिए। उससे पहले एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको सिलेबस बताया गया होगा। जैसे सैट की प्लेलिस्ट आप खोलते हैं तो आपको पता चलेगा कि साइंस पढ़ना कैसे है, क्लियर, तो वो वाली वीडियो देखिए। उसके बाद डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, डे सेवन, ऐसे बढ़ते जाइए और जल्दी जल्दी कवर करके डीपीपी लगा के लाइव हमारे साथ कनेक्ट एकदम फ्लो में आ जाइए, तो और आपको मजा आएगा, क्लियर। उसके बाद इसी तरह आपको मैट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैट में भी आपको क्या करना है, पहले तो देखनी है भाई रीजनिंग की वो वाली वीडियो जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैट आपको पढ़ना कैसे है। साथ ही साथ आपको ये डे वन से स्टार्ट करना है मैट को भी, और कहां तक जाना है भाई, आज आज कौन सा है हमारा डे 12, तो यहां तक जल्दी से आ जाइए। जितना जल्दी आप आएंगे उतना ही आपको मजा आएगा क्लास को सीखने में और समझने में, क्लियर। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी ये पहली बार इस क्लास के बारे में पता चल रहा है, वो एक्साइटेड है इसके बारे में, तो वो बच्चा एनटीएससी इंफॉर्मेशन का एक प्लेलिस्ट है उसको चेक करेगा, क्लियर। क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही है कि 7:30 बजे आपकी क्लास रीजनिंग की चलती है, 8:30 बजे क्लास साइंस की चलती है। जब भी इसमें कोई चेंज होगा तो वो बता दिया जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड, ये वर्ड रिलेशन नहीं है, ये वेन डायग्राम है, क्लियर, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम दो टाइप से पढ़ना है हमें। वेन डायग्राम को कितने टाइप से पढ़ना है, दो टाइप से। पहला टाइप है कि आपको फिगर को देख के या क्वेश्चन को, इस तरह की टाइप की चीजें होती है वर्ड वाले, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। पहले आप लोग एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे, मैं सब कुछ समझा दे रहा हूं। जो बच्चा थोड़ा सा यार देखो पेशेंस रखो, क्लियर, जल्दबाजी मत करो, क्लियर। चैट में सब लोग हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी आपके साथ इस चैट में हूं, तो डोंट वरी, आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिए, लिखिए, मैं आपको चैट करते हुए जवाब दूंगा। आज की क्लास प्रीमियर करनी पड़ रही है, उसका कारण है कि वाराणसी में जो लॉकडाउन है वो 7 बजे तक लग गया है, तो ऑफिसेज जब जो है वो 7 बजे से पहले बंद हो जाएंगी, इसलिए हमें क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट आपकी क्लास में कोई ब्रेक ना आए, आपकी जो शेड्यूल है उसमें कोई ब्रेक ना आए, उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपकी क्लास रेगुलर रहे, क्लियर। चलिए तो बेटा इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो वर्ड प्रॉब्लम होती है, दूसरा होता है ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या रहता है भाई, दो टाइप को भी मैं आपको दिखाता हूं। पहला तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा हूं, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, पहले समझते हैं भाई वेन डायग्राम ये होता क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। किसी भी सवाल को, किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो पहले आपके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा, कि हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। वेन डायग्राम आपका क्या करता है, कई सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम फिगर का यूज करते हैं। फिगर किस टाइप का होगा, सर्कल का यूज होगा, ठीक है। सर्कल 3 या 4 या 5 या 10 20 हजार टाइप के हमारे पास चीजें हो, थिंग्स हो, अगर मुझे इंटरकनेक्ट करना है उन्हें, तो मैं किसका यूज करूंगा भाई, सर्कल्स का, और उनमें इंटर रिलेशन दिखाने की कोशिश करूंगा, और यही फिगर कहलाता है आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। इसको हिंदी में भी कुछ कहते हैं, शायद आरेख कहते हैं, वेन आरेख ऐसा कुछ कहते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम क्या है, हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आए कि भाई वेन डायग्राम एक ऐसा फिगर होता है जो 3 या 4 या 2 इतनी सारी चीजों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है भाई, कनेक्ट करता है, क्लियर। पहला हमें वर्ड रिलेशन या वर्ड प्रॉब्लम, ये भी सही लिखा है, वर्ड रिलेशन वाली चीजें हमें पढ़नी है, क्लियर। उसके बाद दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे होंगे। पहले तो हमारे पास बहुत सारे सवाल है बेटा, देखो इतने सारे सवाल है हमारे पास कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है ज्योमेट्रिकल फिगर, क्या है भाई, ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दिखने को दिखाई देगा। ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या, इस तरह के क्वेश्चन, और ये इस वाले टॉपिक पे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल एनटीएससी में क्या होता है, फिक्स होता है। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा इस तरह से, इस पर 6 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग
तीन चार पांच छह। तो ये समझ लीजिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार चैट में लिखिए कि आप लोग अब तैयार हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे एकदम प्रिपेयर्ड हैं, इस क्लास को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जो भी बच्चे विराट कोहली के फैन है वो फटाफट से चले गए होंगे भाई, बाकी जो धोनी के फैन है वो तो क्लास देख रहे होंगे। तो आईपीएल को भी इसी तरह देखिए आप लोग भाई, जब जो जिसके आप फैन हो उसकी क्लास उसके मैच देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर मैच को देखकर अपना टाइम मत वेस्ट करिए, क्लियर? एंजॉयमेंट करिए अपनी लाइफ में, बट इतना भी मत करिए कि वो एक्सेसिव हो जाए। एक्सेसिव आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्लियर? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के सवाल आपको लगाने कैसे हैं। तो अब तक सारे आंसर, सबके आंसर आ रहे होंगे, मैं उम्मीद यही करता हूं, बट देखिए। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि एकदम रिकॉर्डेड सा फील आ रहा है ना, कि लाइव वाली फीलिंग आ रही है ना? मुझे पता है कि तुम लोग कैसे पढ़ते हो मेरे साथ। चलो, पहले आपको क्या करना है, ये तीन चीजें बस पढ़नी है। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको पता होना चाहिए कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में हमें क्या करना है, वोमेन मदर स्प्रिंटर्स। वोमेन क्या होती है, महिला। वोमेन क्या होती है, महिला। जितनी भी महिलाएं होंगी वो स्पिंस्टर्स का मतलब होता है कि अविवाहित। यहां पर बेटा एक बहुत बड़ा अच्छा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आएगा। देखो जितनी भी महिलाएं होंगी, या तो वो माताएं होंगी जिनकी शादी हो चुकी है। माता किसे कहते हैं, ऐसी मां जिनके बच्चे हों उन्हें ये मां कहते हैं, ठीक। अविवाहित क्या होती है, जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है। लेकिन यहां पे ऐसा होना चाहिए कि भाई महिलाएं तो सभी होंगी, माता भी एक महिला होगी और अविवाहित भी एक महिला होगी। लेकिन आपको क्या ये ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन में, आपको कैसा ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऑप्शन दिख रहा है ये। तो ऑप्शन जो सही होगा ये, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि जितनी भी माताएं होंगी वो महिलाएं होंगी, जितनी भी अविवाहित होंगी वो सभी महिलाएं होंगी। लेकिन एक चीज ये भी होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई होती है बट वो मां होती हैं। तो यहां पे कुछ आप लोग कुछ गलत मत सोचिएगा, इट्स नॉट कि ये कुछ भी गलत है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग रिलेशनशिप में होते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती है और फिर भी वो मां बन जाती हैं। जैसा आपको एक क्रिकेट से ही मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, हार्दिक पांड्या की जब तक शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही उसकी पत्नी, उसकी वाइफ फियांसे वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसका बच्चा भी हुआ था जो कि लड़का हुआ था। तो ये पॉसिबल है, इट मींस ये वाला रिलेशन बिल्कुल गलत नहीं है कि अविवाहित महिलाएं भी माताएं हो सकती हैं। आपने 10th की बायोलॉजी में आप पढ़ने वाले हो रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वहां पे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो कि बच्चे इन लाइफ में बच्चे कैसे आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और इन सब सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझा करो। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें समझने वाली चीजें हैं और लाइफ में हर चीज आपको जानना जरूरी है, चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे वो पढ़ाई से थोड़ी सी इधर उधर हटके भी हो। आपको इससे शर्माना नहीं है ना ही घबराना है, हर चीज सीखना है। तो पहला क्वेश्चन आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब वेन डायग्राम धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, क्लियर। चलिए अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मैं हर क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 10 सेकेंड दूंगा, 10 सेकंड में आप अपने चैट में आंसर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद 10 सेकंड के बाद मैं हर क्वेश्चन को समझा दूंगा, मेरे पास घड़ी है मैं देख रहा हूं, क्लियर। तो आपका 10 सेकंड शुरू होता है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए, छात्र खिलाड़ी और दर्शक, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। छात्र खिलाड़ी और दर्शक। तो यार बेटा देखो, जितने भी छात्र होंगे वो छात्र जरूरी है, छात्र भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट होंगे, जैसे तुम ही लोग होंगे, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ बच्चे कुछ और खेलते होंगे, तो या हो सकता है कुछ बच्चे ना खेलते हो। तो ये अगर मैं छात्र लिखता हूं या मैं ये स्टूडेंट लिखता हूं, ये प्लेयर्स लिखता हूं और ऑडियंस, जरूरी है कि सभी जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र हैं, वो सभी प्लेयर्स ही हो? नहीं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो भाई ऑडियंस हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो
स्टूडेंट भी हो, ऑडियंस भी हो, प्लेयर भी हो, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, बट जब हॉकी का टूर्नामेंट चलेगा तो मैं वहाँ जाकर देखूंगा भी, तो मैं ऑडियंस भी हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन यही होगा, क्या होगा, इन तीनों को कंबाइन करके। क्लियर, क्या सबको समझ में आया? जितने भी बच्चे ए या सी या डी ऑप्शन दे रहे हैं वो अपने आप को चेक करें कि भैया ने कैसे इसको समझाया है। क्लियर, सबको समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप चैट में लिखिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जितने भी नए बच्चे आए हैं आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आप एक बार बताइए कितने नए बच्चे हैं चैट पर, और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब डे वन से स्टार्ट करेंगे तो उनको सारी चीजें समझ में आएंगी। और आज का दिन बिल्कुल पिछली क्लासों से हटके है, इसमें पिछली क्लास का कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए थर्ड है आपका टीचर्स, सिंगर और मदर। तो ये भी आसान है, टीचर्स सिंगर भी हो सकते हैं भाई। हमारे स्कूल में हमने देखा है भाई कि बहुत सारे टीचर होते हैं ऐसे गाना गाती हैं, और बहुत सारी टीचर जो होती हैं वो माताएं भी हो सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी टीचर माताएं हों, कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ पिता भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं होगी, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो टीचर भी होंगे, सिंगर भी होंगे और माताएं भी होंगी। क्या ये सबको समझ में आया? टीचर, सिंगर और मदर। क्लियर बच्चों, ये एकदम आसान था, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट आता है तो आप एक बार सोचिए कि मैं अगर सी लगा रहा हूं तो मैं क्यों लगा रहा हूं, मैं क्या ये सही लगा रहा हूं, यही एक रिलेशन होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं। स्टेशनरी, पेन एंड निब। स्टेशनरी, पेन एंड निब, इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं, जल्दी से आंसर लिखना शुरू करिए। 10 से 15 सेकेंड आपको दिया जाता है, जल्दी से आंसर लिखना शुरू करिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है भाई। स्टेशनरी, पेन एंड निब, आई होप सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ए ए ए, देखिए बेटा स्टेशनरी आइटम आपको पता होने चाहिए कि पेन जो होता है वो पूरी तरह से स्टेशनरी आइटम है, आपको अच्छे तरीके से पता है। और पेन में ही तो निब लगा रहता है, ये जो पोर्शन कहलाता है यही तो निब होता है, मतलब पेन के अंदर ही निब होगा। क्लियर, तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको समझ में आया होगा। पेन जो होता है वो स्टेशनरी आइटम होता है, और जो निब होता है वो पेन का ही तो पार्ट होता है बेटा। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें कंफ्यूजन भी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर फोर, मिजोरम, मणिपुर एंड इंडिया। आपको पता है भारत, भारत कुछ इस तरह से है, ये फिगर सही नहीं बना, छोड़ो। भारत, भारत के अंदर मिजोरम भी आता है और भारत के अंदर मणिपुर भी आता है। मिजोरम अलग आता है स्टेट और मणिपुर अलग आता है। क्लियर, दोनों स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं। क्लियर, ये दोनों भारत के अंदर आते हैं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, अगर किसी को लगता है कि भाई मिजोरम के अंदर मणिपुर आता है तो वो बिल्कुल गलत है, आपको पता होने चाहिए कि भारत के कौन कौन से स्टेट कहां कहां पे आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड, पैरट एंड स्नेक। बर्ड, पैरट एंड स्नेक, बहुत आसान है, अब तक सबके आंसर आ रहे होंगे, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। आपको पता है भाई जो पैरट होता है वो बर्ड होता है, और जो स्नेक होता है वो रेंगने वाला जानवर होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आसान आसान सवाल है, तो इसके लिए आपको चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से करिए, आपके आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर्स, मेल्स एंड ब्रदर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। डॉक्टर्स, मेल्स एंड ब्रदर, पिछला क्वेश्चन किसी को कोई डाउट, पिछला कोई क्वेश्चन किसी को डाउट, आई होप नहीं होगा, आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई, जितने भी भाई होंगे वो तो पुरुष ही होंगे, भाई जितने होंगे, मैं अगर एक भाई हूं, मैं किसी का भाई हूं तो मैं लड़का हूं, भाई हूं तभी तो मैं लड़का हूं ना, अगर मैं बहन होता तो मैं लड़की होती। क्लियर, तो मैं तो पुरुष में ही आऊंगा, इसके अलावा तो मैं कुछ हो ही नहीं सकता भाई, मैं महिला तो हो नहीं सकता, या फिर मैं और कोई कम्युनिटी में तो बिलोंग नहीं करता हूं, तो मैं तो पुरुष ही हूं। क्लियर, बट मैं डॉक्टर भी हो सकता हूं और डॉक्टर नहीं भी हो सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं। क्लियर,
मैं डॉक्टर हो भी सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं भी हो सकता हूं, ठीक है क्लियर। तो पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं और ये जो भाई है ये भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ ही पोर्शन इसका कवर करेगा। और ये डॉक्टर का ग्राफ है, ये डॉक्टर का सर्किल है, ये भाई का सर्किल है और ये पुरुष का सर्किल है। पुरुष मतलब मैन, मेल्स, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में हिंदी सिर्फ पढ़ रहा हूं, ठीक है। मेल्स, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए को लेकर, वो नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर मैं भाई हूं, हो सकता है मैं डॉक्टर हूं, तो मैं मेरे में अगर डॉक्टर को टच नहीं कराओगे तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा। तो मैं डॉक्टर भी हूं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आर्मी वॉरियर्स एंड कमांडर, आर्मी वॉरियर्स एंड कमांडर। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कमांडर जो होता है वो आर्मी में ही होता है, ठीक है। बाहर तो कमांडर होता नहीं है। या हिंदी में देखिए इसको, सेना के अंदर ही तो सेनापति होगा। लेकिन योद्धा, वॉरियर, क्या जरूरी है कि सेना के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं सभी वॉरियर होंगे? क्या यह सही चीज है? कहोगे नहीं भैया, सभी वॉरियर नहीं होंगे। इट मीन्स कुछ तो वॉरियर होंगे, मे बी सेनापति में भी कुछ वॉरियर होंगे, मे बी जो कमांडर है वो वॉरियर है, मे बी कि वो वॉरियर नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगर जो बच्चे अलग ऑप्शन दे रहे हैं वो एक बार सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं और भैया ने आपको किस तरह से समझाया है। क्लियर, ये कमांडर का है, ये आर्मी का है और ये वॉरियर जो होगा वो दोनों सर्कल को टच करेगा। बेटा सबको समझ में आया? क्लियर। चलो कुछ तो बच्चे हमारे रेगुलर बच्चे हैं जो एकदम क्लास बहुत डिसिप्लिन तरीके से डे वन से कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप डे वन से लगे हुए हैं, डे वन से क्लास कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प हो रही होगी, ठीक है। और ये मत चिंता करिए कि भैया लाइव नहीं चल रहा है तो मैं छोड़ के चला जाऊं, बिल्कुल नहीं। ये प्रीमियर है बट आपको मैं फील ऐसा ही नहीं आने दूंगा कि ये लाइव नहीं है। क्लियर, आपके जो भी डाउट आ रहे हैं आप लिखिए, मैं उसको समझा रहा हूं ना, चिंता मत करिए। चलिए, मैं आईपीएल नहीं देख रहा हूं, मैं आपकी क्लास देख रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फिगर विल करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ, फॉरेस्ट एंड टेम्पल। ये बताओ बेटा, जितने भी टेम्पल, जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो कहां होंगे? वो अर्थ पर होंगे। सर्कल दिख रहे हो कितना परफेक्ट बनाया हूं, थोड़ा सा यहां पे बट बहुत परफेक्ट है। चलो, तो जितने भी अर्थ जंगल होंगे, तो कुछ बच्चे तो ये वाला ऑप्शन लगा रहे होंगे, जंगल और मंदिर। तो ये बताओ, क्या जंगल में मंदिर नहीं हो सकता है? क्या जंगल में भी मंदिर हो सकता है और जंगल में मंदिर नहीं भी हो सकता है? तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा बेटा। क्लियर, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ये वाला सही होगा, जंगल में भी मंदिर हो सकता है और जंगल में मंदिर नहीं हो सकता है। बट जंगल और मंदिर, दैट इज फॉरेस्ट एंड टेम्पल, विल बी ऑन अर्थ। अर्थ के बाहर तो जाएंगे नहीं भाई, क्योंकि हमें तो अर्थ का ही पता है ना, हम तो मार्स पे रहते नहीं है तो हमें अर्थ का पता है। तो जितने भी जंगल या जितने भी फॉरेस्ट एंड टेम्पल होंगे वो सभी अर्थ पर होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डॉग एनिमल एंड पेट्स। किसी को किस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो वो तुरंत पूछ लेगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो वो तुरंत पूछ लेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई, तो आई होप सबके आंसर आ रहे होंगे। एनिमल पहला तो है भाई, एनिमल, एनिमल के अंदर डॉग भी आएंगे और पेट्स भी आएंगे। आपको एक चीज पता है, हम भी एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं। पूरे साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो एनिमल्स और एक तो प्लांट्स। क्लियर। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि भाई पक्षी क्या एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल पक्षी जो भी बर्ड्स होते हैं वो भी एनिमल्स होते हैं। रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं या फिर चलने वाले होते हैं, या फिर हम लोग भी एनिमल्स कैटेगरी में ही आते हैं। क्लास 9th का आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, तो वहां पे आपको ये चीज पता चली होगी। क्लियर। तो जितने भी डॉग्स होंगे और पेट्स होंगे, लेकिन एक चीज बताओ बेटा, कुछ डॉग्स जो होते हैं वो पेट्स भी होते हैं, पालतू भी होते हैं, तो फिगर कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर है कि फिगर ऐसा ही बनेगा? कोई बच्चा कुछ अलग दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा और आप सबसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन लग रहे होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई,
पोलियो, चिकन पॉक्स और डिजीज। जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो आपको तो पता चल गया होगा कि भाई डिजीज के अंदर ही पोलियो और चिकन पॉक्स आएगा, और पोलियो एक अलग डिजीज है और चिकन पॉक्स एक अलग डिजीज है बच्चों, ठीक है। चिकन पॉक्स में क्या होते हैं, हमारे स्पॉट्स पे जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है अलग अलग जगह, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, क्लियर। अभी भी मेरे चेहरे पर और बहुत सारी जगह इसके स्पॉट्स हैं, मुझे भी एक बार हो गया था जब मैं 2015 में था, ठीक है, जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे ऐसा कुछ हो गया था। हालांकि सही हुआ मैं कुछ दिनों के बाद, हॉस्पिटलाइज होने के बाद, अपना इलाज करवाने के बाद, लेकिन ये जो डिजीज है काफी ज्यादा इफेक्ट करता है अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को, ठीक। और पोलियो एक अलग डिजीज है भाई। पोलियो में हमें क्या होता है, अब तो पोलियो बहुत कम होता है भारत में। दो बूंद की जो शुरुआत हुई थी बहुत ही अच्छी शुरुआत थी, जिससे बहुत सारे मतलब पोलियो के केसेस बहुत कम। अभी भी छोटे छोटे बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाई जाती है जिससे बच्चे पैरालाइज ना हो, क्लियर। तो ये दोनों डिजीज अलग है, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सिखाया, आई होप अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। टीचर, पेंटर एंड ड्रामेटिस्ट। टीचर, पेंटर एंड ड्रामेटिस्ट। तो भैया टीचर जो होता है वो पेंटर भी हो सकता है, और टीचर जो है वो ड्रामेटिस्ट भी हो सकता है, शिक्षक, चित्रकार एंड नाटककार। तो भाई अगर मैं टीचर हूं तो मुझे पेंटिंग भी आती है, कहोगे तो मैं कुछ पेंटिंग अपने भेजूंगा, मैं स्केचिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूं, मतलब मैं खुद से कह रहा हूं, ठीक है, स्केच भी अच्छे बनाता हूं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डिलीट कर दी मैंने, मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे स्केचेज मैंने डाल रखे हैं। मैं वॉल स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेता हूं, मतलब बहुत अच्छी नहीं, मतलब कर लेता हूं, क्लियर। तो मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं आप सभी बच्चों को, तो मैं जो है चित्रकार भी हूं, इससे समझिए, और मैं ड्रामेटिस्ट भी हो सकता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आईआईटी से पढ़ने के बाद वो एक्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो साथ ही साथ अपने इंजीनियरिंग के करियर को भी लेके चल रहे हो, तो ये पॉसिबल है, क्लियर, कि आप तीन सारी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, डी, क्लियर। सबको समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं, जो भी आंसर आपको दे रहा हूं आपको फील करा रहा हूं कि ये मैं फिगर क्यों बना रहा हूं, बाकी फिगर क्यों नहीं है ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िए। वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड। इसके लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, और वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसके लिए अगर ना भी नॉलेज हो तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको करने लगोगे तो आपके सभी डाउट क्लियर होने लगेंगे, क्लियर बच्चों। चलिए, तो वियना जो होता है वो यूरोप में पड़ता है, क्लियर, और जो न्यूजीलैंड होता है वो एशिया में होता है, तो ये दोनों ये यूरोप से हटके है, क्लियर। अगर न्यूजीलैंड भी यूरोप में पड़ता तो ये तीनों हो जाता, ये वाला ऑप्शन होता, बट यूरोप में सिर्फ वियना पड़ता है और जो न्यूजीलैंड है वो बिल्कुल अलग है, वो एशिया में पड़ता है, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट थोड़ा सा बगल में है बट वो एशिया के अंदर आता है, क्लियर, ऑस्ट्रेलिया एक अदर कॉन्टिनेंट है। चलिए, मदर्स, डॉक्टर्स एंड होमोसेपियंस। क्या किसी को पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट, क्या किसी भी बच्चे को पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो आराम से वो पूछ लेगा। चलिए, मदर्स, डॉक्टर्स, होमोसेपियंस, इस वर्ड से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे भी पहले नहीं पता था बट आज मैंने इसको देखा कि भाई ये होमोसेपियंस क्या होता था, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूं। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आपको पता चला होगा कि जब इंसान आदि मानव के रूप में थे, ठीक है, आदि मानव के रूप में थे तो वो जानवरों से थोड़ा हटके थे, तो उनको कैटेगरी किस कैटेगरी में डाला गया भाई, होमोसेपियंस, जिनके पास थोड़ा सा माइंड था, वो अपने दिमाग का यूज करते थे, वो चलते थे, वो खाना बनाते थे, खाना खाते थे, वो अपने शरीर, वो अपने हर चीज का वस्त्र पहनते थे, मतलब कपड़े पहनते थे, उन्हें लाज लज्जा, ये सारी चीजें जो जानवरों से आपको हटके करती है, वो व्यक्ति, वो लोग होमोसेपियंस कहलाए, क्लियर, जिनके अंदर थोड़ा सा सेंस था, क्लियर। तो ये आपको पता है भाई, होमोसेपियंस के अंदर मदर भी आएंगे, हमारी माताएं भी, सबके पास सेंस होता है, डॉक्टर्स उनके पास भी सेंस होता है, तो इट मीन्स सब लोग तो भाई होमोसेपियंस के अंदर आएंगे, ठीक।
लेकिन जरूरी है ये नहीं कि मदर और डॉक्टर अलग अलग हो, बिल्कुल नहीं। मदर और डॉक्टर, मदर भी डॉक्टर हो सकती है और डॉक्टर भी मदर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मदर जो है वो डॉक्टर ना हो, ठीक है। तो ये मदर का है, ये डॉक्टर का है, ये होमोसेपियंस का है। सबको समझ में आया, क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, चिंता मत करिए कि आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, और भागिए मत, क्लियर। चलिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। आई एम वेटिंग, जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से। चलो, आई होप सबके जवाब आ रहे हैं। तो इनर्ट गैस जो है वो हीलियम में आता है, मतलब हीलियम जो होता है वो इनर्ट गैस होता है, तो हीलियम भाई इसके अंदर हो जाएगा, ठीक। और जो क्लोरीन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्लोरीन अपना 17 ग्रुप का एलिमेंट है, जो आपकी क्लास 10th में आप पढ़ने वाले हो। अगर इसके बारे में अगर अभी नहीं आइडिया है तो डोंट वरी, अभी कुणाल सर आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फ्लावर्स रोजेस एंड येलो, फ्लावर्स रोजेस एंड येलो, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। फ्लावर रोजेस एंड येलो, तो आपको पता है भाई कि फ्लावर तो एक कैटेगरी हो जाएगी जिसके अंदर रोज आएगा, रोज फ्लावर ही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हो सकते हैं वो येलो भी हो सकते हैं और येलो नहीं हो भी हो सकते हैं, और रोजेस भी येलो होते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि गुलाब का फूल केवल पिंक कलर का या रेड कलर का होता है तो बिल्कुल गलत है। आपको गुलाब के फूल की कई सारी वैरायटी मिलेगी, बहुत सारे चीजें होती है, तो ये कैसा फिगर बनेगा भाई, येलो इसमें भी आएगा, इट मीन्स रोजेस भी येलो हो सकते हैं, क्लियर बच्चों? सबको समझ में आया, ये येलो और ये आपका फ्लावर, क्लियर। बहुत बहुत आसान भाषा में आपको मैं वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं, और इससे आसान आपको पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, क्लियर। इससे आसान भाषा इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे और टिक लगा के जल्दी से 2-3 सेकंड में आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में आपको टाइम यहीं पर सेव करना है, ताकि आपको सिटिंग अरेंजमेंट या बड़े बड़े टफ क्वेश्चन आए तो वहां पर आप उसको यूज कर सको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैट्स फ्रॉग्स एंड स्नैक, रैट्स फ्रॉग्स एंड स्नैक। आई होप ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। चूहा एक अलग प्रजाति में आता है, फ्रॉग एक अलग प्रजाति में आता है, और स्नैक ये एक अलग प्रजाति में आता है। क्यों भाई? रैट क्या होता है? वो सिर्फ जमीन पे चलता है। फ्रॉग क्या होता है? वो जमीन पे भी चलता है और पानी में भी चलता है। स्नैक क्या होता है? वो सिर्फ रेंगता है। तो तीनों की क्वालिटी अलग अलग है, बिल्कुल अलग है भैया। अगर तीनों की क्वालिटी अलग है तो तीनों का फिगर भी अलग होगा। क्या सबको समझ में आया? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल्स वुड एंड लेदर, वुल्स वुड एंड लेदर। देखिए, वुल क्या होता है? ऊन होता है। क्या ऊन का लकड़ी से कोई संबंध? क्या ऊन का वुड, वुल का वुड से कोई संबंध? कहोगे भैया बिल्कुल नहीं कोई संबंध है। क्या वुड का या उल का कोई लेदर से संबंध है? बिल्कुल नहीं संबंध है, क्योंकि लेदर जो चमड़ा होता है वो बिल्कुल अलग चीज होता है, और आपके कपड़े में अगर कोई ऊन का यूज होता है तो वो अलग चीज होता है, क्लियर। तो यहां पे तीनों के लिए अलग अलग सर्कल बनेंगे, और अलग अलग सर्कल का ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी। जिस भी बच्चे का ए बी सी आ रहा है वो ध्यान से समझे कि भैया ने क्या आपको समझाया है, क्लियर। सबको समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉयर आर्किटेक्ट एंड ह्यूमन बीइंग, लॉयर आर्किटेक्ट एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक। जल्दी से इसका आंसर देना शुरू करिए बच्चों, आई एम वेटिंग। बहुत अच्छा लगता है कि आप इंगेज करके पढ़ाई करते हो अपने आप को, आंसर्स लिखते हो चैट बॉक्स में, कमेंट करते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करते हो, ठीक है। तो जितने भी लोग इंगेज करके अपने आप को पढ़ाई करते हैं उनका जो है फायदा ही होगा, उनके डाउट्स क्लियर होंगे, क्लियर। और जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। कंडीशन है यहां पे, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए, क्लियर। चलिए, तो भाई ह्यूमन बीइंग तो भाई सब होते हैं, सभी व्यक्ति मनुष्य जाति ही हैं, क्लियर। इसमें से जरूरी नहीं है कि लॉयर अलग होगा और आर्किटेक्ट अलग होगा, क्लियर। लॉयर के लिए अलग पढ़ाई की जाती है भाई, और आर्किटेक्ट के लिए अलग पढ़ाई की जाती है। आपको पता होनी चाहिए, आर्किटेक्ट क्या होता है? जो डिजाइन वगैरह करता है, और लॉयर क्या करता है? जो केस वगैरह लड़ता है। तो यहां पे बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखाई देता है तो क्या आप कंफ्यूज होते?
अगर ऐसा कुछ होता और ऐसा कुछ होता तो आप यही वाला ऑप्शन टिक करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि यार बेटा देखो लॉयर की जो पढ़ाई होती है बिल्कुल अलग होती है। लॉयर कभी आप लॉयर और आर्किटेक्ट को एक में नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर किसी वकील को उठा के लाए और उसको डिजाइनिंग भी आती है, वो घर और बनवाता भी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर? जो लॉयर जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर अलग अलग होते हैं, ठीक, सभी इंसान होते हैं, लेकिन डॉक्टर, अब कोई कहेगा मैं डॉक्टर भी हूं मैं इंजीनियर भी हूं, तो ऐसा बहुत रेयरर है, तो रेयरर चीजें आप यहां पे नहीं लेंगे, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ये वाला। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। यहां पे क्या है, पुलित्जर प्राइज एंड ऑस्कर, पुलित्जर प्राइज एंड ऑस्कर किसके किसके आ रहे हैं? अच्छा, प्राइज आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, प्राइज ऑस्कर तो एक प्राइज होता है, ये सबको पता है। पुलित्जर भी एक प्राइज होता है जो कि बिल्कुल अलग होता है। किस चीज से अलग होता है? ये जैसे कि कुछ लोग मैगजीन लिखते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर लिखते हैं, उसमें जो सबसे लेवल हाई लेवल के होते हैं उनको ये प्राइज दिया जाता है पुलित्जर का। क्लियर? ये वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, जैसे ऑस्कर भी वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, इसी तरह ये दोनों चीजें क्या है, प्राइज है बेटा। क्लियर? कोई चीज नहीं मिलती है तो उसको लिख लिया करिए, ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें आपको इन फ्यूचर भी काम देंगी। क्लियर? चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों चीजें अलग है, दोनों प्राइज अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमेन एंटरप्रेन्योर एंड इंजीनियर्स, वोमेन एंटरप्रेन्योर एंड इंजीनियर्स। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमी, जो उद्योग वगैरह करते हैं वो उद्यमी। तो भाई इंजीनियर भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो अपने साथ साथ इंजीनियरिंग भी कर रहा है, साथ साथ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर भी है, तो ये भी चीज पॉसिबल है। या हो सकता है वो इंजीनियर है बट नहीं, पूरी तरह से नहीं हो सकता है। क्लियर? सारे इंजीनियर एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते हैं, बट कुछ तो हो सकते हैं। ठीक, अब ये भी बात आती है कि भाई सारे इंजीनियर या एंटरप्रेन्योर क्या मैन ही होंगे? बिल्कुल नहीं, वुमेन भी हो सकते हैं। क्या सारे वुमेन इंजीनियर होंगे या एंटरप्रेन्योर होंगे? बिल्कुल नहीं, तो ये वाला फिगर इसके लिए बिल्कुल सही होगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन है भाई यहां पे? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्या सबको समझ में आया? अगर किसी को लगता है ये वाला या ए वाला या ए वाला, तो वो पूछे मुझसे, मैं उसको समझाऊंगा कि यही वाला ऑप्शन क्यों सही होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप सबको समझ में आया होगा। एलिफेंट वोल्व्स एंड एनिमल्स, एलिफेंट्स वोल्व्स एंड एनिमल्स, तो ऑब्वियस ही बात है भाई दोनों जो है वो एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं, और एलिफेंट अलग होता है, वुल्फ्स अलग होता है, भेड़िया अलग होता है, और हाथी अलग होते हैं भाई। हाथी और भेड़िया एक ही चीज तो होते नहीं है भाई। क्लियर? दोनों अलग अलग जानवर हैं। तो ये आसान सवाल था, अब आपसे वेन डायग्राम बहुत इजीली लगने लगे होंगे। क्लियर? आप पढ़ना है आपको और सोच के फिगर बनाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली श्रीलंका एंड एशिया। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और श्रीलंका जो है दोनों एशिया में ही आते हैं, तो दिल्ली भाई अलग है, श्रीलंका अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन बी होगा। ठीक, अगर यहीं पे मैं ऑप्शन क्वेश्चन दे देता कि दिल्ली इंडिया और एशिया, तो इसका क्या फिगर बनता बताओ कोई? दिल्ली इंडिया एशिया, जल्दी से आंसर लिखो कि भैया कैसा फिगर बनता है, कोई थोड़ा सा यह लिखा जा सकता है। ठीक है, ये फिगर कैसा बनता है बेटा? दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर आएगा, और इंडिया के अंदर, इंडिया जो है वो एशिया के अंदर आएगा, तो फिगर ऐसा बनता। बट यहां पे दिल्ली अलग है और श्रीलंका अलग है। क्लियर? इसलिए ये वाला फिगर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग डॉक्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, ह्यूमन बींग डॉक्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। ठीक है, अब भाई जितने भी डॉक्टर्स होंगे और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वो तो ह्यूमन बीइंग होंगे ही होंगे। क्लियर? हर व्यक्ति होगा, मानव ही होगा। मानव मतलब महिला पुरुष नहीं होता है, मानव मतलब इंसान, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सब सब ह्यूमन बीइंग होते हैं। क्लियर? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मानव जो होते हैं वो पुरुष को कहते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, मैं भी एक पुरुष हूं, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, और एक कोई मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर या मेरे दोस्त, जितनी भी कोई लेडी है वो भी ह्यूमन बीइंग है, कोई ट्रांसजेंडर है वो भी ह्यूमन बीइंग है। क्लियर? ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो डॉक्टर जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होंगे ही होंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट, अब आपके अंदर आ रहा होगा कि भैया जितने भी डॉक्टर होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, फिगर ऐसा बनना चाहिए, ऑप्शन आपको लग रहा होगा सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है बेटा। जरूरी नहीं है कि जितने भी डॉक्टर हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हों, कुछ डॉक्टर ग्रेजुएट होकर भी डॉक्टर बन जाते हैं।
ठीक है, जैसे बी फार्मा वगैरह होता है। अच्छा अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है। ग्रेजुएट की डिग्री होती है बेटा जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री जो दी जाती है, बीटेक, बीएससी, बीए, बीफार्मा, इस तरह की जो डिग्री होती है नर्सिंग वगैरह की, सॉरी बैचलर की जो डिग्री होती है वो ग्रेजुएट होते हैं, क्लियर। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है? मास्टर की डिग्री। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीटेक मतलब सॉरी बैचलर की डिग्री लेकर ही डॉक्टर बन जाते हैं, और कुछ लोग भाई पोस्ट ग्रेजुएट बनके डॉक्टर बनते हैं। तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये वाला नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तक तो आंसर भी आ गए होंगे आपके, फटाफट से लिखना शुरू करिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूं भाई। देखो भाई, मैंगो जो होगा वो फ्रूट होगा, ठीक है, मैंगो जो होगा वो फ्रूट होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन मैंगो जो हो सकता है पका भी हो और ना भी पका हो, क्लियर। मैंगो पका भी हो और ना भी पका हो, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मैंगो पका भी हो और ना भी पका हो, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए ऑप्शन ये वाला सही होगा जी। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया डी होगा। एक चीज बताओ, जरूरी है कि पका हुआ चीज फ्रूट ही होगा? जरूरी है कि पका हुआ चीज फ्रूट ही होगा? पका हुआ चीज वेजिटेबल भी हो सकता है, ठीक है, पका हुआ टमाटर एक वेजिटेबल है, तो इसलिए सारे पके हुए चीज को हम फ्रूट्स में नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया फिगर यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए ये मैंगो है और ये आपका फ्रूट पका हुआ है, पका हुआ मत राइप, ठीक है, राइप। तो यार बेटा जरूरी नहीं है कि जितनी भी सारी चीजें दुनिया में पकी हुई है सब फ्रूट्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रूट्स के अलावा भी पकी हुई होती है, क्लियर। जैसे रोटी भी पकी हुई है, आपको क्या फ्रूट्स होती है? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, इट मींस ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई। सिटी, पुअर पर्सन और किड्स। सिटी, पुअर पर्सन और किड्स, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। सिटी, पुअर पर्सन और किड्स, तो आसान है भाई। सिटी में कुछ लोग गरीब भी हो सकते हैं और सिटी में कुछ बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सिटी में बच्चे भी हों, गरीब भी हों और ना भी हों, तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन यहां पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। सबको समझ में आया? आसान थे एकदम। सिटी में जरूरी नहीं है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे सिटी में हैं, गांव में भी हो सकते हैं। या फिर जरूरी ये नहीं है कि जितने भी सिटी में गरीब हैं, मतलब सिटी में सिर्फ गरीब है, अमीर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला, क्लियर। सबको समझ में आया? कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई। आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिशियन, मिनिस्टर एंड ह्यूमन। पॉलिटिशियन, मिनिस्टर एंड ह्यूमन। अच्छा ये बताओ, जो मिनिस्टर होगा वो तो पॉलिटिशियन होगा ही होगा, क्लियर। जो मिनिस्टर होगा वो पॉलिटिशियन तो होगा ही होगा, बट क्या ये जरूरी है? बट क्या ये जरूरी है कि जितने भी ह्यूमन हैं, अब आपको लग रहा होगा ना भैया तुरंत ये वाला फिगर बना दीजिए, तुरंत ये वाला फिगर बना दीजिए, लेकिन क्या ये सही होगा? कहोगे बिल्कुल नहीं। किसी को पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या? आई होप नहीं होगा। इसमें कहां डाउट है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियन होंगे, जितने भी मिनिस्टर होंगे, वो सभी ह्यूमन होंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। जितने भी पॉलिटिशियन होंगे वो सभी जितने भी मिनिस्टर होंगे वो सभी पॉलिटिशियन होंगे, और जो भी ये मिनिस्टर है और जो भी ये पॉलिटिशियन, ये ह्यूमन बीइंग तो है ही है, क्लियर। हाँ ये सही है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे भी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर टू। समझिए इस बात से कि जितने भी मिनिस्टर होंगे, जो भी मिनिस्टर मतलब मंत्री, वो सभी पॉलिटिशियन होंगे, तभी तो वो मिनिस्टर बन रहे हैं, और जो भी ये लोग बन रहे हैं वो सभी लोग ह्यूमन बीइंग तो है ही है, क्लियर। सभी ह्यूमन बीइंग है, तो अच्छी बात है, सबको समझ में आया होगा। ये जो बाकी जगह खाली है ना, यही जगह बताती है कि ये इसमें हम लोग भी बिलोंग करते हैं, मिनिस्टर वगैरह के अलावा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई। ईयर सेप्टेंबर वर्ल्ड पीस डे। ईयर सेप्टेंबर, तो एक चीज तो आपको पता होगा कि भाई सेप्टेंबर जो होता है वो ईयर में आता है,
सितंबर जो होता है वो ईयर में आता है, लेकिन आपको क्या याद है कि वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। नहीं याद है तो इसको लिख लीजिए, वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को, तो ये सितंबर में ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मदर, स्टेप मदर और सिस्टर इन लॉ। तो भाई इसका तो यही ऑप्शन होगा भाई, मदर हमारी स्टेप मदर भी हो सकती है या फिर मदर होगी, ठीक है, सौतेली माँ भी हो सकती है, या माँ जैसे सपोज मेरी मतलब किसी भी लोगों की माँ, मतलब मेरी माँ को ले लो, ठीक है, मेरी मम्मी है, मे भी वो मेरी मम्मी हो, साथ ही साथ किसी और बच्चे की सौतेली मम्मी हो, क्लियर, मे भी, क्लियर। तो ये वाला रिलेशन हो सकता है, बाकी वो किसी की भाभी या ननद भी हो सकती है, स्टेप सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? क्या मैं फास्ट हूं? फास्ट नहीं हूं ना। अब वेन डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। आप आराम से जो मैं आपको समझाता हूं उसको सुना करिए। चलिए, रिच पुअर और डॉग, रिच पुअर और डॉग। अगर जो लोग अमीर हैं वो तो गरीब हो ही नहीं सकते हैं भाई, वो अलग अलग है, क्लियर। साथ ही साथ अब अमीर और गरीब और कुत्ते का क्या रिलेशन? कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी है, क्लियर। अमीर गरीब और कुत्तों का क्या रिलेशन है भाई? तीनों तो अलग अलग है ना, अमीर व्यक्ति, अब कुत्ता अमीर गरीब तो हो ही नहीं सकता है भाई। तो ये अमीर अलग है, रिच अलग है, पुअर अलग है और डॉग अलग है। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन वर्कर एंड गार्डन, मैन वर्कर एंड गार्डन। तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैन और वर्कर तो रिलेशन में है, जितने भी वर्कर होंगे या तो वो मैन होंगे या तो वोमेन होंगे। अगर आप ऐसा फिगर बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत बना रहे हैं कि भाई वर्कर हमेशा मैन नहीं हो सकता है, या बिल्कुल गलत है, वर्कर मैन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है, तो ऐसा फिगर बनेगा। और गार्डन बिल्कुल अलग है भाई, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ये ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। अगर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जितने भी वर्कर होते हैं सब मैन होते हैं, तो आप गलत करके सी लगा के आ जाओगे, तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा और आपके एक नंबर कट जाएंगे, क्लियर। एक नंबर कटेगा मतलब एक नंबर आपको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ क्रॉप, ग्राउंड नट एंड वीट। खरीफ क्रॉप एंड ग्राउंड नट एंड वीट। तो अगर आप ज्योग्राफी अभी पढ़ेंगे, क्लास 9-10 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं पता है, आपको धीरे धीरे ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे पता चल जाएंगी। तो जो खरीफ फसल होता है वो वीट जो होता है, जो गेहूं होता है वो खरीफ का फसल है, और जो मूंगफली होता है वो खरीफ का फसल नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। सबको धीरे धीरे वेन डायग्राम क्लियर हो गया क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन, आई होप ये होगा हमारा। हाँ बिल्कुल, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइबर, कॉटन और जूट। चलो इसको मैं होमवर्क में देता हूं, देखता हूं किस बच्चे का क्या जवाब आता है। इसको मैं होमवर्क में देता हूं, सभी बच्चे कमेंट करेंगे होमवर्क में इस क्वेश्चन का आंसर। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कमेंट करना है, साथ ही साथ अगर एक्सप्लेनेशन दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर, ठीक है। और कमेंट में आप बताएंगे हमें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जो बच्चे नए हैं वो अपना रिव्यू देंगे कि चैनल पर आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है, आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ठीक है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, अगर नहीं भी ऑन करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्लियर। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे। और कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर, जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है, और सभी लोगों को मैं सिखा दूंगा, यहां से नंबर आपके नहीं कटेंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, क्लियर। तो कल की क्लास करेंगे भाई 7:30 बजे। आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं मैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, किसी भी दिक्कत के लिए मैं हूं, क्लियर। और हाँ, कुणाल सर की आज क्लास नहीं है, उनका तबियत थोड़ा ज्यादा खराब है, तो इसलिए अभी वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। बट आप कोर्स की चिंता मत करिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, हर एक चीज पूरी कंप्लीट कराना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।